सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। चंदू, हमारा सिगार केस। यस सर। ले आइए। गुड मॉर्निंग साहब। गुड मॉर्निंग संजीव, कहिए। सर, आज के अपॉइंटमेंट्स? 10 बजे आपकी धीरू भाई शाह के साथ मीटिंग है, वो अपने नए होटल के उद्घाटन के लिए आपको इनवाइट करना चाहते हैं। बेटे, इससे मत खेलिए, टूट जाएगा, रख दीजिए। रख दूं? जी, थैंक यू वेरी मच। बाद में। हाँ संजीव। यस सर। मिस्टर लाल से मैंने अपनी विल बनवाने के लिए कहा था, उनसे पूछिए कि अगर विल तैयार हो गई है तो आज शाम को यहां आ जाएं और रात का खाना हमारे साथ खाएं। यस सर। अंकल, मैं दूं आपको सिगार? हाँ दीजिए, थैंक यू। अंकल, अंकल बिच्छू, देखो अंकल कितना बड़ा बिच्छू। अंकल, सिगार, सिगार की डब्बी के अंदर बिच्छू। बेटे, आपको काटा तो नहीं? चंदू, चंदू, बंद सिगार केस में ये बिच्छू कैसे आया? मैं कहती हूँ ये कोई मामूली बात नहीं। आज आपके सिगार केस में किसी ने बिच्छू रख दिया, कल कोई सांप रख देगा, परसों कुछ और। सवाल ये है कि ये हरकत की किसने? देखिए, मैं तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि कीड़ों मकोड़ों से मुझे तो बहुत ही डर लगता है। पूछ लीजिए अपनी बहन से। क्यों? हाँ भैया, ये बात तो है कि तुम मामूली से कैचियों को देखकर भी ऐसे घिघियाने लगते जैसे कि बहुत बड़ा सांप देख लिया हो। अंकल, वो बिच्छू आपको काटता तो आप मर जाते। नहीं बेटे, बिच्छू के काटने से इंसान मरता नहीं, मगर हाँ, उसका जहर इतनी आसानी से उतरता भी नहीं। सर, वो हमारे घर के पिछवाड़े वाले खंडहर में काफी सांप बिच्छू इकट्ठे हो गए, हो सकता है वहीं से रेंगता हुआ चला आया। अपने आप मेरे बंद सिगार केस में। अंकल, अंकल, मैं वो खंडहर में जाऊं? मैं वहां जाऊंगी, बिच्छू से खेलूंगी, मुझे बिच्छू बहुत अच्छे लगते हैं, आपके लिए भी मैं बिच्छू लेके आऊंगी। नहीं बेटे, मैंने वहां सबको जाने के लिए मना किया है, वो बहुत खतरनाक जगह है। जगह तो खतरनाक ये भी कुछ कम नहीं है, लेकिन आप माने तब ना। मुझे लग रहा है हमें कमिश्नर साहब को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अरे क्या बात कर रही है भाभी जी, छोटी सी बात के लिए पुलिस कमिश्नर तक जाएंगी? अरे लोग क्या कहेंगे कि गवर्नर साहब बिच्छू से डर गए? नहीं जगत बाबू, बिच्छू को तो हम अपने पैरों तले कुचल सकते हैं, मगर उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि उस बिच्छू को हमारे सिगार केस तक किसने पहुंचाया और क्यों। किधर जा रहा है वे? इरादा तो सीधे जाने का ही था, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे मुझे घूम के जाना पड़ेगा। आप सब लोगों को अस्पताल ड्रॉप करते हो। अच्छा। Thank you.
बोल किसने भेजा तेरे को? हाँ, कौन भेजा तेरे को? याद आया? याद आया? एक फोन आया था गवर्नर के वहां के इंस्पेक्टर भारत को रिपोर्ट नहीं दे रहा। तो मामला जितना सीधा लग रहा है उतना है नहीं। श्रीवास्तव, अंकल, अंकल वो इंस्पेक्टर क्यों नहीं आया? मुझे उसको देखना है। वो कब आएगा अंकल? आ जाएगा बेटा, आ जाएगा। रास्ते में कहीं अटक गया होगा। लेकिन अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। क्यों भाई साहब, कोई हादसा तो नहीं होगा इंस्पेक्टर भारत के साथ? हादसा हुआ नहीं, लेकिन हाँ, होते होते रह गए। आप इंस्पेक्टर भारत क्राइम ब्रांच सर, आई एम सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। दरअसल कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं यहां तक पहुंचूं। क्या मतलब? मतलब ये कि रास्ते में मुझ पर हमला हुआ सर, मुझे यहां तक पहुंचने के लिए रोका गया। क्या हमला? किसने किया हमला? इंस्पेक्टर भारत, आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हमला आप पे यहां पहुंचने से रोकने के लिए किया गया? दरअसल जिन लोगों ने ये हमला किया सर, मैंने उनकी खूब पिटाई की, हवालात में है वो, और उन्होंने कन्फेस किया कि इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे पैसे दिए गए। मगर ऐसा कौन हो सकता है जो ये चाहता है कि आप यहां तक ना पहुंचे? जाहिर है सर कि ये वही लोग हो सकते हैं जो जिन्होंने आपके सिगार केस में वो बिच्छू प्लांट किया था। बिच्छू कहां है? बिच्छू हमें दिखो ना। बिच्छू, मैं बिच्छू से बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको पता है बिच्छू के काटने से आदमी मरता नहीं, पागल हो जाता है। अगर अंकल को बिच्छू ने काटा होता ना, तो अंकल भी पागल हो जाते है ना अंकल? अरे बेटा, ये क्या पागलपन है? जाओ अपने रूम में। भाई साहब के गुजर जाने के बाद मैंने इसे अपनी औलाद की तरह पाला, इसकी परवरिश की, लेकिन अफसोस के भाई साहब की मौत के बाद इसका मानसिक विकास कुछ रुक सा गया। लेकिन सर, आपने उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में क्यों नहीं दाखिल करवाया? वो पागल नहीं है ऑफिसर, बस उसका बचपना अभी तक गया नहीं है। उस दिन उसी के बचपने ने मुझे बिच्छू के डंक से बचा लिया। मेरी आदत है कि मैं अखबार पढ़ते वक्त बिना देखे सिगार केस में सिगार के लिए हाथ डालता हूं। अगर उसी तरह मैंने सिगार केस में हाथ डाला होता तो बिच्छू ने मुझे डस लिया होता। नहीं सर, आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि बिच्छू के काटने से इंसान मरता नहीं, तो फिर बिच्छू वहां पर डालने का मकसद क्या हुआ सर? यह जानना आपका काम है। अगर हम खुद पता चला लेते तो आपको यहां बुलाने की तकलीफ नहीं देते। राइट सर, वेरी वेल सेड सर। चलिए, बता सकते हैं कि आप इन थोड़े से दिनों में आपने कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन किया या आप डॉक्यूमेंट साइन करने वाले थे? डॉक्यूमेंट? लेकिन क्यों? वैसा सर कि बिच्छू के काटने से हाथ सूज जाता है, 10-15 दिनों के लिए आदमी कुछ काम कर नहीं पाता, यहां तक कि सिग्नेचर्स भी नहीं कर पाता, इसीलिए। आपका मतलब है कि वो बिच्छू इसलिए वहां रखा गया था ताकि सर कोई अहम दस्तावेज साइन ही ना कर पाए?
शायद। देखिए ऑफिसर, वैसे तो हमें सैकड़ों डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ते हैं। उस दिन हमें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट के लिए पेपर्स पे साइन करने थे और स्टेट गवर्नमेंट को अपने हाथ से भेजा हुआ एक नोटिस साइन करना था और एक फॉरेन कंपनी जो हमारी गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से एक प्लांट लगाना चाहती है उस प्लांट की परमिशन पर साइन करना था बस। और एक बात सर, आप अपनी वसीयत भी साइन करने वाले थे। वसीयत? जी, मैंने सोचा कि ये फॉर्मेलिटी भी पूरी कर देता हूं। अच्छा, तो हो सकता है सर इन्हीं में से कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं साइन करने देना चाहता हो। उससे क्या फर्क पड़ता है इंस्पेक्टर भारत, उस दिन मैं अगर वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं करता तो 5 या 10 दिन के बाद कर देता। हो सकता है कि कोई आपको बिच्छू से डराना चाहता हो। लेकिन कौन? सर आई एम वेरी सॉरी टू से सर, लेकिन हो सकता है कि आप ही के परिवार का कोई सदस्य। तो अगर आप माइंड ना करें, इट्स माय ड्यूटी सर, प्लीज डोंट माइंड। मैं आपके परिवार के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करना चाहता हूं। वेल, संजीव आपको सब कुछ बता देगा और अगर आप चाहें तो सबसे मिलवा भी देगा। संजीव? यस सर। एक्सक्यूज मी। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस घर का कोई भी सदस्य, जिसमें मैं भी शामिल हूं, गवर्नर साहब के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि हर कोई गवर्नर साहब के एहसान तले तबाह हुआ है। शालिनी देवी, उनकी पत्नी, एक मामूली हैसियत की औरत थी। गवर्नर साहब ने उनसे शादी करके उन्हें पत्नी का दर्जा दिया और समाज में इज्जत दिलाई। पता नहीं वो इस इज्जत के लायक थी भी या नहीं। उनकी बहन सुमित्रा देवी, वो तो अपने पति के साथ गवर्नर साहब के रहमक्रम पर ही जी रही है। और उनके पति जगत नारायण इसे अपना हक समझते हैं। रश्मि के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं, कानूनन वही इस प्रॉपर्टी की वारिस है। उसके फादर भी उसके लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी छोड़ गए थे, जिसकी देखभाल भी गवर्नर साहब ही कर रहे हैं। संजीव बाबू, ये बता सकते हैं कि रश्मि के माँ बाप की मृत्यु कैसे हुई थी? कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको? मदर की मौत तो उसके बचपन में ही हो गई थी, लेकिन हाँ, फादर किसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। अब वो एक्सीडेंट कैसे हुआ ये तो मुझे भी मालूम नहीं। और मेरी कहानी भी कुछ रश्मि से मिलती जुलती है। मेरे फादर की भी मृत्यु तब हो गई थी जब मैं बहुत छोटा था, और तब से मेरी देखभाल गवर्नर साहब ने ही की है। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई तो मैंने गवर्नर साहब को ही ज्वाइन कर लिया ताकि मैं उनका सहारा बन सकूं। ये माना संजीव बाबू कि गवर्नर साहब ने परिवार के सारे सदस्यों पे कोई ना कोई एहसान किया है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि परिवार का हर एक सदस्य उन एहसानों को तहे दिल से मानता हो। क्या मतलब? मतलब ये कि अब देखिए ना, सिगार केस में उस बिच्छू का पाया जाना कोई बाहर के आदमी का काम तो नहीं, किसी अंदर के आदमी ने ही काम किया है। अब ये काम हो सकता है जगत नारायण जी ने किया हो सकता है सुमित्रा देवी जी ने किया हो सकता है शालिनी देवी जी ने किया हो, आपने किया हो, या फिर रश्मि जी ने किया हो। रश्मि? आप उस पागल लड़की पर शक कर रहे हैं? बिच्छू, बचाओ, बचाओ! रश्मि जी, कहाँ है बिच्छू? यहाँ तो कोई भी बिच्छू बिच्छू नहीं है। यहीं पे था, अभी था, इतना बड़ा बिच्छू था। लड़की तो पागलपन की बातें करके हमें पागल कर देगी। क्या बात है? क्यों शोर हो रहा है यहाँ? मैंने आपको
कितनी बार कहा कि इस लड़की को पागलखाने भेज दीजिए, लेकिन आप मानते ही नहीं। इसने फिर से वही बिच्छू का राग आलापना शुरू कर दिया। अंकल, अंकल, प्लीज मुझे बचा लीजिए, वहां पे बिच्छू है। प्लीज मुझे बचा लीजिए अंकल, वहां पे बिच्छू है। बेटे कुछ नहीं होगा, हम है ना। सर ये बिच्छू से हमेशा ऐसे करती है? नहीं, मैं डरती नहीं हूँ, मैं तो उसको मार डालती हूँ, है ना अंकल? जब तक देखती नहीं तब तक कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही सामने आता है ऐसे जैसे दौरा सा पड़ने लगता है। मैं तो ये सोच रहा था सर कि अगर इनके सामने आपको बिच्छू काट लेता तो क्या होता। मुझे तो इंस्पेक्टर बहुत चालाक लग रहा है जगत, कहीं ऐसा ना हो इसे सब कुछ पता चल जाए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है सुमित्रा, इससे पहले कि इंस्पेक्टर को कुछ पता चले मैं सारा काम ही तमाम कर दूंगा। जगत बाबू, ये इतनी रात गए आप कहाँ जा रहे हैं, और ये गवर्नर साहब के स्टडी रूम की तरफ क्या करने जा रहे हैं आप? वो क्या है इंस्पेक्टर साहब के मैं अपने कमरे में सो रहा था तो अचानक मेरे को आवाज सुनाई दी, तो मैंने समझा कि कहीं कोई चोर ना हो इसलिए मैं जल्दी से आ गया, लेकिन यहाँ आकर देखा यहाँ तो आप है। चोर तो है जगत बाबू, मैंने आपसे कहा चोर यहाँ भी है जगत बाबू। समझा नहीं? मैं आपको समझाऊं, आप ये मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कुछ नहीं, मैं कहाँ छुपा रहा हूँ। मैं आपसे फिर से पूछता हूँ जगत बाबू, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? जी कुछ नहीं, मैं आपसे पूछा जगत बाबू क्या आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? देखिए ये गवर्नर साहब की रबर स्टैम्प और ये इंक पैड, ये गवर्नर साहब की लेटर है। वेरी गुड, तो ये चक्कर है, ये गवर्नर साहब की रबर स्टैंप और ये लेटर पैड लेके आप कहाँ जा रहे थे जगत बाबू? मैंने पूछा ये आपके पास कहाँ से आए? वो क्या है कि ये कहाँ से आए आपके पास? क्या है इंस्पेक्टर साहब के गलती से मेरे पास आ गए, और यही देने के लिए तो मैं उनके स्टडी रूम की तरफ जा रहा था कि रास्ते में मुझे आप झूठ वो रश्मि मैडम। क्या हुआ रश्मि मैडम को? मैंने अभी अभी उनको पिछवाड़े के खंडहर की तरफ जाते हुए देखा। ओह माय गॉड, इसे क्या हो गया? पता नहीं, बेहोश थी और खंडहर तक कैसे पहुंच गई? डॉक्टर साहब, इसे नींद में चलने की बीमारी है। मैंने चंदू से हजार बार कहा है कि इसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया कर, कहीं मर मरा गई तो मुसीबत आ जाएगी। इंस्पेक्टर साहब गजब हो गया, वो अपने कमरे में नहीं है। कौन? राय साहब। ये कमरे में नहीं तो अपने स्टडी रूम में होंगे ना? वो वहां पर भी नहीं है। अभी अभी मेरी आंख खुली, मैंने देखा क्या वो कमरे में नहीं है, तो मैं स्टडी रूम में देखने के लिए गई।
वहां पर भी वो नहीं है। ओह माय गॉड। सर हमने कोठी का कोना कोना छान मारा लेकिन गवर्नर साहब कहीं नहीं मिले। और सिक्योरिटी गार्ड्स का कहना है कि किसी ने भी उन्हें बाहर जाते हुए नहीं देखा। फिर वो गायब कहां हो गए? खंडहर, हो सकता है श्रीवास्तव की गवर्नर साहब खंडहर की तरफ गए हों। साहब साहब, वो रश्मि मैडम को होश आ गया और वो कुछ अजीब अजीब पागलों जैसी बातें कर रही है। क्या मतलब? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता साहब। श्रीवास्तव, तुम अपने आदमी को लेकर खंडहर की तरफ चलो, ओके? मैं रश्मि को देखता हूँ। बिच्छू, बहुत सारे बिच्छू हैं। अंकल, अंकल आप उन सब बिच्छू को खा जाओ, वरना वो बिच्छू आपको खा जाएंगे। जगत बाबू, आप इस लड़की को चुप करा दीजिए। इसकी बकवास सुन सुनकर मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है। अभी मुझे लग रहा है मैं भी पागल हो जाऊंगी। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी पागल नहीं हूँ। तुम लोग क्या पागल हो? तुम लोग क्या मर जाओगे जैसे मेरी मम्मी मर गई थी। रश्मि, ऐसे मत भागो, गिर जाओगी। मुझे बचा लीजिए। हाँ, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, वरना वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। रिलैक्स रश्मि जी, रिलैक्स, आपको कुछ नहीं होगा, इत्मीनान रखें आप। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, मैंने सब कुछ देखा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अंकल को मार डाला। किन्होंने? बिच्छू ने अंकल को मार डाला। पता, आपको मरने के बाद कोई बोलता नहीं है ना, अंकल भी कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने उनकी लाश देखी वहां पे। लाश? डॉक्टर साहब, ये लड़की तो पागल है। आप कहां इसकी बातों में उलझ रहे हैं? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मैंने अंकल की लाश देखी है। अंकल, अंकल मर गए। मर के कोई जिंदा होता है क्या? अंकल तो मरने के बाद जिंदा हो गए। जिंदा हो गए? हाँ हाँ। आप ये बता सकती हैं कि आपके अंकल इस वक्त कहाँ हैं? अंकल तो गायब हो गए। पहले अंकल मरने के बाद गायब हो गए, फिर जिंदा होके भी गायब हो गए। इंस्पेक्टर साहब, अब बस कीजिए। कब तक सुनते रहोगे आप इसकी बकवास? आप डॉक्टर को फोन करके इसे पागल खाने क्यों नहीं भेजते? एक मिनट, डोंट पैनिक, ओके? हो सकता है कि लड़की सच बोल रही। डॉक्टर साहब, आपके कहने का मतलब यह है कि सचमुच भाई साहब मर गए क्या? इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। हो सकता है। किसकी मौत का मातम मनाया जा रहा है? अंकल, हम जिंदा हो गए। हम अंकल अब फिर तो नहीं मरेंगे ना? कैसी बातें कर रही है? तू चाहती है कि मैं मर जाऊं? हाँ, देख लिया आपने, आपके लाडली, आपके जीते जी मुझे विधवा बनाने पर तुली हुई है। आप कहाँ थे सर? भाई, हमारी तबीयत थोड़ी घबरा रही थी, इसलिए दिल बहलाने के लिए बीच तक निकल लिए। लेकिन सर, बिना सिक्योरिटी के? भाई, यूं ही बेख्याली में निकल लिए। हमें क्या पता था कि हमारी गैर मौजूदगी में इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। सर, इस हंगामे की शुरुआत दरअसल मिस रश्मि जी की वजह से हुई, जो हमें खंडर में बेहोशी के आलम में मिली और इन्होंने वहां होश आने के बाद आपको देखा, ऐसा इन्होंने मुझे कहा। क्यों मिस रश्मि? नहीं, मैंने वहां अंकल को नहीं देखा था। मैंने तो अंकल की लाश देखी थी वहां पर, और बहुत बड़े बड़े बिच्छू भी देखे थे। लगता है कि ये नींद में खंडर चली गई होगी और बिच्छुओं को वहां देखकर डर गई होगी। मुझे लगता है कि अब डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा। हेलो डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की हालत अब कैसी है? आई एम सॉरी सर, मिस रश्मि की दिमागी हालत
अब बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। बातें तो वो अपलट कर ही रही थी, अब उन्हें हिलीजन भी होने लगे हैं। आई मीन वहम। डॉक्टर, लेकिन इस वहम की वजह क्या है? डर। इस तरह अगर वो डरती रही तो मुझे लगता है कि वो पागल हो जाएगी। और सर, मैं समझता हूं कि हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सर, डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं कि वो डर के मारे पागल भी हो सकती है। ये पागलपन उसके लिए इतना खतरनाक हो सकता है कि इन हालात में वो किसी का खून भी कर सकती है। सर, मुझे लगता है कि रश्मि को मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करा देना चाहिए ताकि उसका बेहतर ट्रीटमेंट हो सके। हाँ संजीव, शायद तुम ठीक कहते हो। इस घर के सदस्य भी यही चाहते हैं कि अब वो इस घर में ना रहे। I'm sorry सर, लेकिन I beg to differ here। मुझे ऐसा लगता है सर कि उसे पागलपन की नहीं, डर की प्रॉब्लम है। उसके डर का इलाज होना चाहिए और डर का इलाज किसी मेंटल हॉस्पिटल में नहीं, यहीं इसी घर में होगा, क्योंकि उसके डर की जड़ इसी घर में है। सर, गवर्नर हाउस कंपाउंड में ये खंडहर, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। श्रीवास्तव, भी अंग्रेजों के जमाने के बने हुए, इसीलिए आज तक टिके हुए, लेकिन आज ये रहने के काबिल नहीं है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस खंडहर में आपको किस चीज की तलाश है। सुराग, मैं ये देखना चाहता हूं श्रीवास्तव कि मिस रश्मि ने या बाकी बिच्छू देखे या कुछ और देख। सिर्फ तुम उस तरफ चेक करो, मैं यहां जाता हूं। Thank you.
माजरा। वेलकम मिस्टर कॉर्निकोवा, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। गुड इवनिंग सर। बैठिए मिस्टर गवर्नर, हमको यकीन नहीं होता है कि आप हमारा प्रोजेक्ट को एग्री किया। आपका प्रोजेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि हमें आपको जमीन ग्रांट करने में बहुत खुशी होगी। लास्ट टाइम आपने कहा था कि हमारा प्रोजेक्ट सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस हो गया। मिस्टर कॉर्निकोवा, पुरानी बातों को भूल जाइए। गवर्नर साहब ये अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपका भी फायदा है और हमारा भी फायदा। डेफिनेटली। लाइए, पेपर्स कहाँ हैं? सर ये यहां साइन करें। थैंक यू। आपको याद है ना मिस्टर कॉर्निकोवा कि अब आपको क्या करना है? यस, हमको याद है। हमारा काम हो गया, अब तुम्हारा भी काम हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट मिस्टर कॉर्निकोवा, जरा चेक तो कर लीजिए कि सिग्नेचर्स असली हैं या नकली हैं। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि वो दस्तखत जाली हैं। क्या बकवास कर रहे हो? हम खुद अपने जाली दस्तखत कैसे कर सकते हैं? आई एम सॉरी, ये दस्तखत आपके जरूर हैं लेकिन गवर्नर साहब के नहीं है। गवर्नर साहब इस किस्म के किसी प्रपोजल पे दस्तखत कर ही नहीं सकते। देखिए इंस्पेक्टर, ये सरकारी मामला है, इसमें आपको दखल देने का कोई हक नहीं। जब गवर्नर साहब खुद इस प्रपोजल पर साइन करने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं नहीं, तैयार किए गए, और रादर तैयारी की गई। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा वक्त चाहिए। उस सिगार केस में उस बिच्छू का पाया जाना शायद यही मकसद था। ऑफिसर, तुम अपनी हद से बढ़कर बात कर रहे हो। तुम क्या समझते हो मेरा पीए मुझे बताएगा कि मुझे कहां दस्तखत करने हैं? गवर्नर प्रताप राय को बताएगा वो? गवर्नर प्रताप राय, अगर आप असली गवर्नर प्रताप राय होते तो किसी और को आपको यह नहीं बताना पड़ता कि इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे दस्तखत कहां करने हैं। सच्चाई तो यह है कि इस नकली दस्तखत की तरह आप भी पूरे के पूरे नकली हैं। What? ऑफिसर, तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? अगर गवर्नर साहब असली प्रताप राय नहीं है तो असली प्रताप राय कौन है? हम। प्रताप राय, अरे वाह, मेरे तो दो दो अंकल आ गए। नहीं बेटे, तुम्हारे अंकल हम हैं। ये तो कोई बहुरूपिया है जो तुम्हारे अंकल की जगह लेना चाहता है। ये क्या नाटक हो रहा है? कौन है ये? ये गवर्नर साहब हैं जिन्हें कल रात बेहोशी के आलम में नीचे खंडहर में ले जाया जा रहा था।
और ले जाते हुए मिस रश्मि ने देखा था। जारी तो ये समझी कि आप मर चुके हैं और जब इसने इन्हें देखा तो ये कंफ्यूज हो गई और रश्मि की मासूम बातों को पागलपन की बकवास समझते रहे आप सब। इंस्पेक्टर भारत, आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये असली प्रताप राय है? हो सकता है ये नकली हो और वो असली हो। इसका सबूत है मेरे पास। अंगूठी इस अंगूठी को तो आप पहचानती होंगे। हाँ, ये अंगूठी तो भाई साहब की है। वो हमेशा अपने हाथ में पहने रहते थे। हाँ, ये मेरी अंगूठी है। कल शायद गिर गई होगी। ये खंडहर से मिली। कल रात आप खंडहर में तो नहीं गए थे। हो सकता है किसी और ने जानबूझकर ये अंगूठी खंडहर में पहुंचा दी हो। ऐसा है कि आमतौर पे जो अपने हाथ में अंगूठी पहनता है उंगली पे एक सफेद कलर का निशान रह जाता है। अगर ये अंगूठी आपकी है तो निशान उंगली में जरूर होगा, बताइए। और अंगूठी का निशान ये। ये निशान हमेशा मैंने उनके हाथ में देखा है। आपके हाथ में कोई निशान नहीं। देखा संजीव बाबू, नकल आखिर नकल ही होती है, वो असल के आगे कभी नहीं जा सकती। मिस्टर संजीव, तुमने हमारे साथ में फ्रॉड किया, हमको बेवकूफ बनाया, $2 million का वास्ते नकली सिग्नेचर किया। सिर्फ नकली सिग्नेचर ही नहीं, इन्होंने तो पूरा का पूरा नकली गवर्नर तैयार कर दिया। चलिए, खंडहर में जब तहखाने का इन्हें पता चला तो वहां पर इन्होंने एक लैब तैयार की, गवर्नर के डील लॉल का आदमी ढूंढा और प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से एक नकली गवर्नर हूबहू वैसा ही तैयार किया। एंड आई एम क्वाइट श्योर अपना काम निकालने के बाद यह आदमी गवर्नर साहब को भी मौत की नींद सुला देता और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती। संजीव, बड़े शर्म की बात है, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? ना कमीना निकला संजीव तुम। प्रताप राय जी ने क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए? तुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा डॉक्टर बनाया, उन्हीं के साथ विश्वासघात, धिक्कार है तुझ पर। और ये सब पैसे के लिए? कितने पैसे निछावर किए तेरे ऊपर उसने। अगर तूने चाहोता ना तो इससे ज्यादा पैसे दे देते भीख में तुझे। नहीं चाहिए मुझे भीख, नहीं चाहिए एहसान। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझसे? ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी जानता हूं। संजीव, खामोश 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 नहीं रहूंगा मैं। मैं ये बात आज सबके सामने बताऊंगा। मैं आपके दोस्त का नहीं, आपका बेटा हूं।
मेरा नाजायज बेटा। आपने कोई एहसान नहीं किया मुझ पर, फिर भी मेरा हक नहीं मिला मुझे। संजीव, हमने तुम्हें कभी किसी चीज की कमी भी महसूस नहीं होने दिया। हाँ, मगर मैं आपका जायज वारिस नहीं बन सका। और जब अपना हक जायज तरीके से न मिले तो उसे नाजायज तरीके से छीनना पड़ता है। एक नाजायज बेटा और कर भी क्या सकता है। गलत कह रहे हो तुम संजीव। अपना हक पाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना कोई जायज बात नहीं है संजीव बाबू, क्योंकि दो गलत बातों को मिलाकर एक सही बात बनाई नहीं जा सकती। टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट, अंडरस्टैंड। संजीव बाबू, मैं आपको गवर्नर प्रताप राय का अपहरण और उनके साथ जालसाजी करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।